नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, कोटे की दुकान आवंटन में धांधली का आरोप, जांच की मांग। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में नवानगर के कुंडीडीह के ग्रामीणों ने शनिवार को डीएम को पत्रक सौंपा। सहायक खंड विकास अधिकारी व प्रधान की मिलीभगत से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटन में धांधली का आरोप लगाया। मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की। ग्राम सभा कुंडीडीह के निवासी हैं। आज हमारे गांव में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का बैठक था, खुला बैठक, जिसमें हम लोग कार्यस्थल पर पहुंचे, जहां बैठक थी दुबौली प्राथमिक विद्यालय पर, और वहां पे जो है कि प्रधान और अधिकारीगण, पुलिस प्रशासन बल हम लोगों पर लाठीचार्ज किए, और हमारे दल के लोग जो भी थे हमारे साइड के, सभी लोग भागने लगे, उथल पुथल होने लगी, और इसका फ़ायदा उठा करके प्रधान अपने चचेरे भतीजे सुरेश की पत्नी रानी के नाम से प्रस्ताव कर दिए। क्या लगता है इसमें धांधली की गई है? क्या धांधली की गई है? जी सर, किस प्रकार की धांधली हुई है? धांधली सर प्रशासन बल है, उनके साइड से हम लोग हमारे लोगों पर लाठीचार्ज की, और सहायक जो अधिकारी हैं वो भी मिले भगत उनकी है। इससे पहले 15 तारीख को भी चुनाव हुआ था, उसमें हम लोग की संख्या जो है कि अधिक थी, और उस समय जब वो लोग देखे कि हम लोग हार रहे हैं चुनाव, तो एडीओ पंचायत को इशारा कर दिया गया और एडीओ पंचायत वहां से भाग गए। अच्छा, तो इस बार क्या रहा? इस बार दोनों लोग से कितने लोग आए थे, फिर अचानक क्या हुआ? समानांतर थे सर उसमें। तो अब आप क्या मांग? अधिक बल में हम भी थे, अधिक संख्या हमारे तरफ भी थी। जी, तो क्या लगता है आपके साथ गलत हुआ है, तो आप क्या किस चीज़ की मांग करने आए हैं डीएम? मांग करने आए हैं कि जो भी आज प्रस्ताव हुआ है उसको खारिज किया जाए। पत्रक दिया आप? जी। अगर नहीं होता क्या करेंगे आप? नहीं होता है तो हम आगे तक जाएंगे। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।